बात करने वाले हैं कि आप एक्सिस बैंक का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे खोल सकते हैं, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और अपने फ़ोन से। और आपको केवाईसी के लिए कभी भी ब्रांच विजिट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप अपने फ़ोन से ही फुल केवाईसी करके एक्सिस बैंक का सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस के लिए। तो इसके लिए इस वीडियो में बने रहें। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप लोगों में से बहुत आदमी वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना भाई को आप सपोर्ट करें। तो एक्सिस बैंक का कैसे आप सेविंग अकाउंट जीरो बैलेंस का खोल सकते हैं, तो इस बारे में हम लोग आज वीडियो में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए वीडियो में बने रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है एक्सिस बैंक का अकाउंट ओपन करने का, उस लिंक पर क्लिक करके आपको इस पेज पर चले आना। इस पेज पे आने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है पैन नंबर डालने का, यहाँ पे आप पैन नंबर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे दूसरा में दिख रहा है आपको आधार नंबर, यहाँ पे अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी भी डाल सकते हैं। आधार नंबर डालने का यहाँ पे आपको आ रहा है मोबाइल नंबर, 10 डिजिट मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना है। प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आई एक्सेप्ट वाले बटन पर क्लिक करके इसको एक्सेप्ट करने लगा है। एक्सेप्ट करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा। जैसे मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर है तो मेरा फ़ोन नंबर पे एक लिंक आया है, उसी तरह वहाँ पे आपको अपना ओटीपी डाल के आपके नंबर पे एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद क्या करना है या आपको हम बताते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस या आएगा। यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे अपना फ़ोन, आपका जो फ़ोन नंबर है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी है गाया है, उसको यहाँ पे डालना है। जैसे हम अपना ओटीपी यहाँ पे डाल देते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे एक नीचे आएगा आपको डन का ऑप्शन, डन वाले बटन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। डन वाले बटन पर आप जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि योर ओटीपी वेरीफाई हो चुका है, आपका ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पे कुछ प्रोसेस ले रहा है, इसको प्रोसेस लेने देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई ईमेल का, आपको अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे क्लिक करके वेरीफाई आपको कर लेना है। आपके ईमेल पे एक कोड जाएगा जिस कोड को यहाँ पे आपको डालना है। जैसे मेरा ईमेल पे एक कोड आ चुका है, हम उसको यहाँ पे डाल देते हैं। ईमेल कंफर्म करने के बाद आपके सामने ऐसा ग्रीन टिक आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं उस यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे हम अनमैरिड हैं, यहाँ पे अनमैरिड सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑक्यूपेशन में यहाँ आपको सिलेक्ट करना है, आप यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप कितने तक पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएशन है, मैट्रिक है, अदर है। जिससे हम यहाँ पे अदर सिलेक्ट कर लेते हैं, नहीं तो मैट्रिक सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको जो भी है, आप जितने भी पढ़े लिखे हो यहाँ पे आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। जैसे हम सिलेक्ट कर लिए ग्रेजुएशन। फिर यहाँ पे आपको दूसरा ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि ऑक्यूपेशन आपका, आप क्या करते हैं। जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे हम स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे सेल्फ इम्प्लॉय भी सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट अपना सिलेक्ट कर लेंगे। स्टूडेंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे देखिए एनुअल इनकम आपका कितना है। एनुअल इनकम यहाँ पे आपको अपना फिल कर देना, आप साल में कितना कमा लेते हैं। और एक ऑप्शन और यहाँ पे है, देख सकते हैं इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको डाल देना है कि आप साल में कितना कमा लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे डाल देते हैं कि हम साल में कितना कमा लेते हैं, साल में यहाँ पे हम डाल दें कितना कमा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाना है। उसके बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे आपको आपका एक पेज सक्सेसफुली फुल हो चुका है फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको फादर का फर्स्ट नेम डालना है, जिसे आपका फादर का नाम जो भी है फर्स्ट में वो डालना है। उसके बाद लास्ट में अगर कुमार है तो कुमार डालना है। जैसे हम अपना फादर का नाम यहाँ पर डाल देते हैं, लास्ट में हम अपना लास्ट नेम जो है मेरा फादर का वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो ये डालने के बाद आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आ रहा है मदर्स नेम। मदर्स नेम में आपको अपना मदर्स का नेम डाल देना है, जो भी आपका मदर्स नेम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जो लास्ट में मदर्स का नेम है वो लास्ट नेम में आपको डाल देना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे नॉमिनी डिटेल डाल देना है। नॉमिनी का आप जिसका भी नाम डाल रहे हैं वो नॉमिनी में आपका क्या लगता है, क्या रिलेशन। जैसे हम यहाँ पे अपना नॉमिनी का फर्स्ट नेम डाल देते हैं, जैसे हम अपना फादर को यहाँ पे नॉमिनी में ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे उसका उनका फर्स्ट नेम डाल देते हैं, वो क्या लगते हैं। तो
रिलेशन यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है रिलेशन यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट उनका डेट ऑफ बर्थ डालना है कि कितना उनका डेट ऑफ बर्थ है, जितना भी उनका डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे उसको यहाँ पे फिल कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है कि नॉमिनी का एड्रेस और आपका एड्रेस सेम है या अलग है। तो यहाँ पे मेरा केस में हम दोनों का एड्रेस सेम है, तो इसको सेम पे रहने देने के बाद यस पे क्लिक करके नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद देख सकते हैं हम लोग का दूसरा स्टेप भी यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। दूसरा स्टेप सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस बैंक में अकाउंट अपना ओपन करना चाहते हैं। उसके बाद रेसिडेंट टाइप के सेक्शन में आना है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि ये घर आपका है या खुद का या रेंटेड है या किसी और के घर में आप रहते हैं। जैसे मेरा केस में मेरा खुद का है, तो यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे में जो यहाँ पे आपको शो करा है, इसमें आपको आपके जो लोकल में यहाँ पे ब्रांच होगा, आप किस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, बैंक ब्रांच में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आप किस ब्रांच में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेना है। उसके बाद आपको आपका अकाउंट का वीडियो KYC करना पड़ेगा। वीडियो KYC आपका सुबह से 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक आप वीडियो KYC कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो KYC के लिए फिर से यही पेज में आकर लॉगिन करना है। वहाँ पे आपको वीडियो कॉल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप वीडियो KYC कर सकते हैं। नहीं तो आपका मोबाइल नंबर पे एक लिंक जाएगा, वहाँ से भी आप वीडियो KYC कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में ही इतना ही, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ये वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।